सो वेल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो पर। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ भोला एंड दशहरा मूवी का एडवांस बुकिंग के बारे में। ये मूवी अभी तक एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई की है और इस मूवी का एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है। तो वेल गाइज, अगर आप भी इंटरेस्ट हो साउथ मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पर, अगर आपको बॉलीवुड मूवी का जानकारी चाहिए बॉक्स ऑफिस के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ गाइज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार, वो नीचे दिए लाल बटन को क्लिक करके, ताकि फ्रेंड्स आने वाली कोई भी लेटेस्ट और न्यू साउथ मूवी की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मैं चलता आज के वीडियो की तरफ। तो वेल फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज से भोला मूवी का हर जगह पर इस मूवी का एडवांस बुकिंग को फुल्ली ओपन कर दिया गया है और एडवांस बुकिंग भी भोला मूवी का अच्छी चल रही है। अगर बात करें दूसरी तरफ दशहरा मूवी के बारे में, तो यार दशहरा मूवी का ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग तेलंगाना और हैदराबाद में चल रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दशहरा मूवी एक पैन इंडिया मूवी है, पर इस मूवी का अभी तक एडवांस बुकिंग सिर्फ ओपन हुआ है तेलंगाना और हैदराबाद में। और अभी नेचुरल स्टार नानी सर जी प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं प्रमोशन में, और हिंदी में इस मूवी का ताबड़तोड़ प्रमोशन चली है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दशहरा मूवी का ट्रेलर को लॉन्च किया गया था लखनऊ शहर से, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस मूवी का हिंदी में कितनी ज्यादा प्रमोशन हो रही है। अगर बात करें दूसरी तरफ कि आज हो चुका है 26 मार्च, अब देखते हैं दोस्तों दशहरा मूवी का फुल्ली ओपन कब होता है एडवांस बुकिंग हिंदी बेल्ट में, और इस मूवी को हिंदी बेल्ट में कितनी शो मिलती है वो तो दोस्तों बाद में पता चलेगा। एक दो दिन के बाद आपको 28 तारीख को कन्फर्म अपडेट मिल जाएगी कि दशहरा मूवी को कितनी ज्यादा स्क्रीन मिली है हिंदी बेल्ट में। अगर बात करें इस मूवी का टोटल एडवांस बुकिंग के बारे में अभी तक, जो कि इस मूवी का कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, अगर बात करें दोस्तों इस मूवी का सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से अभी तक इस मूवी का एडवांस बुकिंग लगभग 60 से 70 लाख हो चुका है, और अभी तक इस मूवी का फुल्ली एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुआ है। अगर बात करें दूसरी तरफ भोला मूवी का, तो भोला मूवी का आज से फुल्ली एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है, जो कि सुर्खियों से पता चला है इस मूवी का एडवांस बुकिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, जो कि लगता है ये मूवी आसानी से फर्स्ट डे इस मूवी का 20 से 25 करोड़ की कलेक्शन हो सकती है बॉक्स ऑफिस पर। तो वेल गाइज, आपको क्या लगता है यार, अपना कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ये दोनों ही मूवी, सब कौन सा मूवी को देखने के लिए जाओगे। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भोला मूवी ऑफिशियल तमिल मूवी की, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है, कही थी कि उसकी रीमेक है, और दशहरा मूवी जो कि एक ओरिजिनल कंटेंट के साथ आ रही है। तो गाइस, जब अपना कमेंट करके यार जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह बॉक्स ऑफिस रिगार्डिंग वीडियो देखने के लिए और साउथ मूवी को यूट्यूब पर देखने के लिए। तो मिलता हूं इस वीडियो के साथ।